नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम BSTC 2019 के सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों के संपूर्ण हल को देखेंगे। मित्रों, आपको एक बात इसमें बता देते हैं कि YouTube पर सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत सी वीडियो हैं जो आपको पूर्णतः भ्रमित कर रही हैं। तो आपके लिए सटीक और सही आंसर क्या होंगे, तो हम आपको बता देते हैं कि 3 दिन के रिव्यू के बाद में हमने इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि आज इस वीडियो में हम जो GK के 50 प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल प्रमाणिक है। अब इनके उत्तरों में आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा। तो मित्रों, हम आपको बता देते हैं, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि मेहरानगढ़ का जो किला है इसके संस्थापक कौन थे। तो ये आपका पहला प्रश्न आया था, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो है राव जोधा। दूसरा जो क्वेश्चन है कि जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों हम बता देते हैं यहाँ पर आज आपका सही आंसर होगा वो होगा जावर की खान, जो उदयपुर में है वहाँ पर जस्ता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आया था वो था कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान की सबसे लंबी दूरी तय करता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा NH 27, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले में जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा धौलपुर। तो यहाँ आपका सही होगा आंसर धौलपुर। दोस्तों, जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, ये क्वेश्चन आया था जो आपको काफ़ी भ्रमित कर रहा है। यूट्यूब पर बहुत से आंसर इसमें अलग बताए जा रहे हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा घूमर। छठा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है, तो जयपुर से जो नई दिल्ली को जोड़ता है वो है NH 48, ये NH 8 का ही परिवर्तित नाम है। अगला क्वेश्चन था राजसमंद में कौन सा किला स्थित है, तो राजसमंद में जो किला स्थित है वो है कुंभलगढ़ का किला, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है पशुओं में नागौरी मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो बता देते हैं आपको बहुत से आंसर कीज में बताया जा रहा है सभी प्रयोजनार्थ वो जो बिल्कुल गलत है। आपको बता देते हैं नागौरी नस्ल मुख्यतः दोहरे प्रयोजन के लिए पाली जाती है, इसमें दुग्ध और भार ढोना ये दोनों काम आसानी से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है कि 2018 की हालवे सर्वेक्षण में कौन से 2 रेलवे स्टेशन है भारत के जिन्हें स्वच्छता स्टेशनों में A1 और A श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, तो वे जो 2 स्टेशन हैं ये राजस्थान के जोधपुर और मारवाड़ 2 स्टेशन हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटकों की रुचि का स्थान लखिया भाटा है, उसके आकर्षण का कारण क्या है, तो आपको बता दें जो लखिया भाटा है उसके आकर्षण का कारण विशाल उड़न गैलरी है, या यूँ कहें कि सीता माता वन्य जीव अभयारण्य जो है उसका आकर्षण ही ये उड़न गैलरी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है वो 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो वर्तमान में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, तो आपको बता दें बाड़मेर के अंतर्गत जो मंगला क्षेत्र है वहाँ सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं, तो व्यावसायिक हवाई अड्डों की बात करें तो राजस्थान में कुल 6 व्यावसायिक हवाई अड्डे वर्तमान में कार्यरत हैं, तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो उसके उच्चतम गुरु शिखर की ऊंचाई ये 1070 मीटर में आती 1022, लेकिन आपको बता दें यहाँ फिट में पूछी थी ऊंचाई, इसलिए जो आंसर सही होगा वो 5600 से 5700 फिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्व पर्यटन गंतव्य स्थलों तक जाती है, संपूर्ण यात्रा पूर्ण करने में इसको कितने दिन लग जाते हैं, तो आपको बता दें
जो लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील से इसको संपूर्ण यात्रा दिन लगते हैं 9 दिन, अर्थात 9 दिन में अपनी यात्रा पूर्ण कर लेती है। माउंट आबू के पास कौन सी नदी बहती है, तो ये भी आपको भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है। यूट्यूबर इसमें बहुत से लूनी नदी दे रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, इसका सही आंसर आएगा पश्चिमी बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा व प्रवीण धनुर्धर है, तो जो प्रवीण धनुर्धर जाति थी वो थी भील, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का नाभ के बिजली संयंत्र राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है रावतभाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर मसूर या मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है, तो बता देते हैं कोटा जो शहर है वो मसूर या मलमल के लिए प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया भी कोटा की प्रसिद्ध है, इसलिए कोटा शहर इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है, तो बता देते हैं इस क्वेश्चन में भी आपको काफ़ी भ्रम हो रहा होगा, ये भी फाइनल कर देते हैं, राणा प्रताप सागर जो बांध है ये सर्वाधिक भराव क्षमता का बांध है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका होगा राणा प्रताप सागर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया था, बिल्कुल स्पष्ट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं, तो आपको बता दें कि जोधपुर में जो नीले रंग के, ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन भी रहा है कि जोधपुर में घरों का निर्माण किस रंग में होता है, तो वो नीला रंग वैसे भी पूछा गया, तो अब की बार पूछ लिया घरों के रंग कैसे, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो नीला ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वर क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने एवं आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजन से नहीं किया जाता, तो इसमें आएगा सफ़ेद शहतूत। बहुत सी जगह आपको गुलमोहर भी मिलेगा जो गलत है, यहाँ जो आपका सही आंसर आएगा वो है सफ़ेद शहतूत। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील सामर लेट जो झील है उसको कितनी नदियाँ पोषित करती हैं, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा चार, चार नदियाँ आकर के सामर झील में अपना जल गिराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी का ज़िला, तो सबसे कम आबादी के ज़िले की बात आए तो राजस्थान का जो जैसलमेर ज़िला है वो सबसे कम आबादी का ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं, तो यहाँ बहुत सी जगह आपको 24 देखने को मिलेगा जो गलत है, हम आपको बता दें कुल 19 उपकरण हैं जयपुर के जंतर मंतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, तो आपको बता दें इसमें सही आंसर आपका होगा चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ऊष्मीय विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय भारत सरकार से मेधावी उत्पादकता पुरस्कार 1992-93 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है, तो ये बता दें कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन इसका सही आंसर है। बहुत से गए आपको सूरतगढ़ थर्मल पावर मिलेगा जो बिल्कुल गलत है, सही आंसर कोटा सुपर थर्मल पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन है, तो आपको बता दें डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है, तो आपको बता दें अलगोजा एक काष्ट वाद्य यंत्र है, ये काष्ट श्रेणी में आता है, सुशीर है, सुशीर यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो ये लकड़ी का बना होता है इसलिए काष्ट यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 की शीतकाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान के किस शहर का स्थान सबसे निम्न था, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा जयपुर, वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे निम्न शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं, तो आपको बता दें उत्तरी पश्चिमी रेलवे के जयपुर मुख्यालय में कुल 4 मंडल आते हैं, आपका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूना महल कहाँ स्थित है, आपको बता दें जूना महल डूंगरपुर में स्थित है, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर ज़िले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको बता दें अलवर ज़िले में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है, तो सरिस्का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ क्षेत्र के किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है, तो आपको बता दें मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं वो दुर्लभ
नस्ल के घोड़े माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा से लड़ने और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए सरकार माही, चंबल, लूनी, सुकली और पश्चिम बनास घाटी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना चाहती है, तो किस कार्य प्रणाली का अनुकरण किया जाएगा? तो इसके लिए आपको बता दें, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन, इस कार्य प्रणाली का इसके लिए अनुकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यापारी का दिन सॉरी राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से जो सहायता ली जा रही है वो किस देश के सहयोग से की जा रही है? तो आपको बता दें, यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण इसका किया गया? शुरू में इसका नाम राजस्थान नहर था, इंदिरा गांधी नहर इसका नाम जो पड़ा ये 1984 में पड़ा, 82 गलत है। आपको बता दें, इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 में मृत्यु हुई थी, इसके बाद इसका नामकरण फिर बदल करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया, तो 1984 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? तो आपको बता दें, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो 1000 से 1100 किलोमीटर, ये 1070 इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन आपके ऑप्शन यहाँ पर 1000 से 1100 किलोमीटर दे रखा, तो ये आपका ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? बता देते हैं, कोलायत में जो कपिल मुनि का जो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, तो बीकानेर में इनमें से आएगा कोलायत के अंतर्गत कपिल मुनि का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार एक्सप्रेस, थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ती है, भारतीय सीमा में इसका कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो आपको बता दें, बाड़मेर के अंतर्गत मुनाबाव जो रेलवे स्टेशन है वो भारत के अंतर्गत इस अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेशन है वो मुनाबाव बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताने में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हुए आक्रमणों को झेला? तो ऐसा किला लोहागढ़, भरतपुर आपका सही आंसर होगा, लोहागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लोक नृत्य, ध्यान देना ये चरी आएगा इसमें, चरी ये आप यहाँ चरी कर लेना, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपको बता दें, चरी लोक नृत्य गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो आपको बता दें, पाली जिले के अंतर्गत होने वाली जो कढ़ाई है वो मोती भारत के नाम से जानी जाती है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में राजस्थान किस का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ग्वार, ग्वार के क्षेत्र में निम्न विकल्पों के आधार पर सही जो आंसर होगा वो है ग्वार। करंट जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्री श्री प्रमोद भाया के अधीन कौन सा मंत्रालय है? तो आपको बता दें, खनन एवं गोपालन विभाग श्री प्रमोद भाया के अधीन है, ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोकगीत ऊँट के एक सजावटी तार को तैयार करने के एक सौंदर्य का वर्णन करता है? तो बता दें, ऊँट के लिए जो लोकगीत है वो गोरबंद है, तो आपका यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा गोरबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान में विधानसभा का कौन सा क्रमांक आता है? तो बता दें, वर्तमान में राजस्थान की जो विधानसभा कार्यरत है वो 15वीं विधानसभा है। अंतिम क्वेश्चन है, खारा बनने के पहले किस स्थान तक लूनी नदी का जल स्वाद में मीठा रहता है? तो बता दें, बालोतरा बाड़मेर तक लूनी नदी का जल मीठा होता है, इसी के बाद में इसका जल खारा होता है। आज की इस वीडियो में हमने संपूर्ण के 50 के 50 प्रश्नों को बिल्कुल सटीक और सही तरीके से, अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता के बिल्कुल सटीक 30 50 के 50 प्रश्नों के सही हल। इसलिए जुड़े रहे हमारे ज्ञान धारा रसूली चैनल के साथ में। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान धारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।